नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आपको कुछ ऐतिहासिक घटनाएं बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर एक, अब मैं आपको एक ऐसे इत्तेफाक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या से ठीक पहले हुआ था। दरअसल जब कैनेडी 1963 में डलास पहुँचे तो एक स्थानीय अखबार में एक कैनेडी विरोधी विज्ञापन छापा गया, जिस विज्ञापन के आसपास शोक संदेश के जैसी एक काली बॉर्डर बनाई गई थी, जिसके बारे में पता चलने पर कैनेडी ने कहा कि अगर आज मुझे कोई मारना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हालांकि कैनेडी ने यह बात सिर्फ एक मजाक के तौर पर कही थी, मगर इत्तेफाक से उन्होंने ऐसा कहने के कुछ ही समय बाद कैनेडी को ठीक उसी तरह से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, और इत्तेफाक से उनकी मजाक में कही हुई बात सच साबित हो गई। नंबर दो, पैब्लो पिकासो 20वीं सदी के एक महान पेंटर थे। यह पिकासो का सेल्फ पोर्ट्रेट है, इसे उन्होंने तब बनाया था जब वह 16 साल के थे, और यह भी पिकासो का ही है, इसे उन्होंने 72 साल की उम्र में बनाया था। पिकासो ने कहा था कि मुझे 4 साल लगे थे रिफाइल जैसे एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह पेंट करने में, और मुझे पूरी ज़िंदगी लग गई एक बच्चे की तरह पेंट करने में। नंबर तीन, यह जो तस्वीर आपके सामने है विक्टोरिया नेरा के दौरान ली गई थी, और जो शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ है वह मर चुका है। विक्टोरिया नेरा में परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाने के बाद उन्हें नए कपड़े पहनाकर कुछ इस तरह से बैठाया जाता जैसे वह जीवित हों, और ऐसा उस मरे हुए शख्स की फ़ोटो को उसकी उनके साथ आखिरी निशानी के तौर पर सहेज कर रखने के लिए किया जाता था। नंबर चार, दो महिला की एक ही तरह से हत्या होना, हत्या के वक्त उन दोनों की उम्र 20 साल होना, दोनों का ही अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल नाचते हुए बिताना, और दोनों के कत्ल के बीच 157 साल का अंतर होने के बावजूद उनके कातिलों का नाम सेम होना, अपने आप ही में एक अजीब इत्तेफाक है। दरअसल 1817 के दौरान मैरी नाम की एक महिला अब्राहम थॉर्टन नाम के एक शख्स से मिलती है, जिसके बाद वे दोनों एक इवेंट में एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मगर अगली सुबह वायलेंस के निशानों के साथ मैरी की संदिग्ध हालत में लाश बरामद होती है। सभी का शक थॉर्टन पर जाता है, इसकी वजह से उसे अरेस्ट करने के बाद उस पर मुकदमा भी चलाया जाता है, लेकिन प्रॉपर एविडेंस ना होने के बावजूद उसे रिहा कर दिया जाता है। क्राइम मिस्ट्री के 157 साल बाद 27 मई 1974 के दिन इत्तेफाक से बिल्कुल ऐसा ही एक और मामला पुलिस के सामने आता है, जिसमें बारबरा नाम की ही 20 साल की महिला ठीक उसी तरह एक रात एक शख्स से मिलती है। दोनों एक साथ डांस करते हैं, आखिरी बार दोनों को एक साथ देखा जाता है, और अगली सुबह मैरी की तरह बारबरा की लाश बरामद होती है, और जिस शख्स के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था उसका नाम था माइकल यान थॉर्टन, जो इत्तेफाक से पहले केस की ही तरह पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से रिहा कर दिया जाता है, और इन दोनों महिलाओं का कातिल कौन था यह राज हमेशा के लिए ही बनकर रह जाता है। आज के लिए ही केवल इतना ही, मिलते हैं आगे ऐसे ही और रहस्यमयी घटनाओं वाले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।